जनरल इलेक्शन 2024 कौमी असेंबली का हलका है एन ए 116 शेखपुरा का मुकम्मल सरकारी रिजल्ट उम्मीदवारों के वोटों की तफसील के साथ। यहाँ से कामयाब करार पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मुनव्वर हुसैन मंच, इन्होंने आज के 1,35,129 वोट, जबकि दूसरे नंबर पे आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार मोहम्मद उरफान डोगर, इन्होंने हासिल किया 89,960 वोट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीर सैयद जहीरुल हसन बुखारी ने हासिल किया 43,240 वोट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राय एजाज अहमद खान ने हासिल किया 7,059 वोट। जमात इस्लामी के मियाँ असदुल्ला ने हासिल किया 4,417 वोट। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इमरान हाशमी ने हासिल किया 2,124 वोट। आजाद उम्मीदवार एजाज अहमद ने हासिल किया 2,019 वोट। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हाजी चौधरी मोहम्मद यकूब चाहल ने हासिल किया 1,999 वोट। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद एजाज शाह ने हासिल किया 1,657 वोट। आजाद उम्मीदवार हमजा कमर ने हासिल किया 1,468 वोट। आजाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद शहजाद डोगर ने हासिल किया 1,221 वोट। इस हलका में इन उम्मीदवारों के अलावा दीगर मजीद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद थे, मगर उनमें से कोई भी उम्मीदवार काबिल जिक्र वोट हासिल नहीं कर सका। इस जनरल इलेक्शन 2024 में शेखपुरा के कौमी असम्बली के हलका एन ए 116 से खुर्रम मुनव्वर मंच रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं।